बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी लौकी के पकोड़े तैयार हैं। आप इसे केचप के साथ ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कद्दू के पकोड़े। कद्दू के पकोड़े बनाने के लिए 3 कद्दू लिए हैं। सबसे पहले हम बाउल लेंगे। बाउल में सबसे पहले हम ये लौकी को डालेंगे, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है और अच्छी तरह इसका पानी निचोड़ लिया है। और अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे, बारीक कटी हुई। इसके बाद हम इसमें 1 कप के करीब बॉईल किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। और इसमें हम 3 ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे, बारीक कटी हुई। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें 1 कप बेसन ऐड करेंगे। अब हम मसाला जात ऐड करते हैं। इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे, साबुत धनिया। और 1 टेबलस्पून ही इसमें हम चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इतना पानी डालेंगे कि इसका थिक सा बैटर सा रेडी हो जाए और हम इसके पकोड़े बना सकें। थोड़ा थोड़ा बैटर इज़ रेडी एंड अब पकोड़े बनाएंगे। एक पैन में ऑयल लिया है और फ्लेम को ऑन कर लिया है। फ्लेम मीडियम रखा है। ऑयल ऑलरेडी गर्म है। चलिए अब इसमें पकोड़े डालना शुरू करते हैं। हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखें, लौकी के ज़बरदस्त किस्म के पकोड़े रेडी हैं। आप इसे केचप के साथ ले सकते हैं।